हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की एन की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड के चैप्टर टेन के क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं चैप्टर टेन है हेलन कैलर तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग इज फन क्वेश्चन इज समथिंग्स इज रॉन्ग सेड हेलन मदर कुछ तो गलत है हेलन की माँ ने कहा वॉट वॉज रॉन्ग क्या गलत था तो आंसर क्या होगा उसके साथ क्या गलत हुआ था हेलन कुड नॉट हियर और सी हेलन जो है कुछ भी ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल दो हेलन कूड नॉट हियर और सी यद्यपि हेलन जो है ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी वॉट काइंड ऑफ गर्ल वॉज शी लेकिन वह किस तरीके की लड़की थी तो इसका आंसर होगा ऑल दो शी कुर यद्यपि वह ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल लेकिन वो जो है बहुत ही तीव्र बुद्धि वाली छोटी लड़की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एग्रीड टू हेल्प हेलन हेलन की मदद करने के लिए कौन सहमत हो गया तो आंसर है मिस सुलीवान एग्रीड टू हेल्प हेलन मिस सुलीवान हेलन की मदद के लिए एग्री हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मिस सुलीवान हेल्प हेलन मिस सुलीवान ने हेलन की मदद कैसे की तो आंसर है मिस सुलीवान हेल्प हर लर्न स्पेशल हैंड साइंस मिस सुलीवान ने उसे स्पेशल हैंड साइंस सीखने में उसकी मदद की नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हेलन लर्न हेलन ने क्या सीखा व्हेन द टीचर ट्राइड टू पुट हर हैंड इन रनिंग वाटर जब टीचर ने उसके हाथ को बहते हुए पानी में डालने की कोशिश की थी तो आंसर होगा हेलन लर्न द वर्ड तब हेलन ने वर्ड सीखा था वाटर कि वाटर किसे कहते हैं वाटर क्या होता है अंडरस्टूड दैट वाटर समथिंग वेट वह समझ चुकी थी कि वाटर का मतलब कुछ गीला है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हेलेन फाइनली अंडरस्टूड कौन सी सबसे महत्वपूर्ण एक बात थी जो कि अंत में हेलन समझ चुकी थी तो आंसर है हेलेन अंत में समझ गई थी डेट वर्ड्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वर्ड्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है ओनली वर्ड्स को टेल हर एवरी थिंग अबाउट द वर्ल्ड कि केवल ये शब्द ही हैं जो उसे सारी दुनिया के बारे में बता सकते थे नाउ लेट्स टॉक फर्स्ट है यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दीज लेटर्स योर हैंड आपको जो है अपने हैंड की सहायता से साइन लैंग्वेज का यूज करके इन लेटर्स को बनाना है तो लेटर्स हैं सी एच ई -E के जिन्हें आपको अपने हैंड से साइन लैंग्वेज का यूज करके बनाना है तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से इन लेटर्स को बनाएंगे नेक्स्ट है स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस आपको जो है हैंड साइन के थ्रू यानी कि हैंड साइन के द्वारा इन वर्ड्स को स्पेल करना है तो यहाँ पर वर्ड है हेलन तो आप हेलन जो है इस तरीके से स्पेल करेंगे नेक्स्ट है वॉज तो वर्ज जो है इस तरीके से आपको स्पेल करना है नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड जो लोग देख नहीं सकते वे कैसे पढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या होगा पीपल हु कैन नॉट सी रीड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल वे लोग जो देख नहीं सकते वे एक स्पेशल लैंग्वेज जिसे ब्रेल कहते हैं उसकी मदद से पढ़ते हैं दिस लैंग्वेज इज रिटिन विद कैरेक्टर्स मेड फ्रॉम डॉट्स इस लैंग्वेज में डॉट्स से बने हुए कैरेक्टर्स से लिखा जाता है एंड द पीपल हु कैन नॉट सी और जो लोग देख नहीं सकते टच दीज डॉट्स टू रीड द कैरेक्टर्स इन डॉट्स को यानी कि ये जो डॉट्स होती हैं वो उभरी हुई होती हैं इन डॉट्स को टच करते हैं कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए नाउ क्वेश्चन इज वॉट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड जो बच्चे देख नहीं सकते वे जिस लैंग्वेज से पढ़ते हैं उस लैंग्वेज को उस स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है तो आंसर होगा द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन उन बच्चों के लिए जो स्क्रिप्ट होती है हु कैन नॉट सी जो देख नहीं सकते इज कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट तो उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट यानी कि ब्रेल लिपि कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी आपको क्या लगता है जो बच्चे देख नहीं सकते आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं तो इसका आंसर होगा तो आप किस तरीके से कर सकते हैं आप यहाँ पर अपने थॉट्स लिख सकते हैं जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन हेल्प देम हम उनकी मदद कर सकते हैं बाय होल्डिंग देयर हैंड्स उनके हाथों को पकड़कर मेकिंग देम टच डिफरेंट थिंग्स उन्हें उनके हाथों के द्वारा अपनी हेल्प से अलग अलग चीजों को टच करा के एंड डिस्क्राइबिंग देम विद वर्ड्स और उन्हें वर्ड्स के साथ यानी कि स्पेशल लैंग्वेज साइन द्वारा वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करके हम उनकी मदद कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन इज लुक एट द साइंस फॉर द लेटर्स ऑफ द एल्फ़ाबेट यहाँ पर जो है अल्फाबेट्स के कुछ लेटर हैं जिनके लिए साइन दिए गए हैं तो आप इन्हें देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट है ए लेटर के लिए साइन उसके बाद है बी यहाँ पर देखेंगे सी उसके बाद यहाँ देखेंगे डी ई एफ नेक्स्ट जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नेक्स्ट है वाई ए तो ये सभी जो हैं ये स्पेशल साइन हैं आप इन्हें ध्यान से देखेंगे नाउ लेट्स राइट मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी नीचे एंड बी कॉलम में जो डिफरेंट टू पार्ट्स दिए गए हैं एक सेंटेंस के आपको उन्हें मैच करना है और आपको ऐड करना है बट टू जॉइन द टू पार्ट्स इन दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए बट का यूज करना है एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस और पूरा सेंटेंस लिखना है तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट हैलन जो है अपनी इलनेस यानी कि बीमारी के बाद जीवित रही तो इसे जो है कंप्लीट करेंगे लेकिन क्या होता है शी कुड नॉट हीयर और सी लेकिन वो जो है ना ही देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना है हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हीयर और सी नेक्स्ट है शी कुड नॉट सी ओ हेयर वो ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी तो किस तरीके से लिखेंगे शी कुड नॉट सी ओ हीयर बट शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट नेक्स्ट है पीपल थाट दैट शी कु नॉट लर्न एनी थिंग लोगों ने सोचा कि वह कुछ भी नहीं सीख सकेगी हर मदर था शी कुड लर्न लेकिन उसकी माँ ने सोचा था कि वह कुछ सीख सकती है तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसे पीपल थाट दैट शी कुन एनी थिंग बट हर मदर थाट शी कुट इज हेलन कॉपी द वर्ड्स हेलन ने वर्ड्स को कॉपी किया शी डिड नॉट अंडरस्टैंड लेकिन होता क्या उसने कॉपी तो किया लेकिन वह समझ नहीं पाई वॉट शी वॉज डूइंग कि वो क्या कर रही थी तो आप लिखेंगे यहाँ पर हैलन कॉपी द वर्ड्स बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग नेक्स्ट इज मिस सुलिवान वॉज स्ट्रिक्ट मिस सुलिवान जो कि उसकी टीचर थी बहुत स्ट्रिक्ट थी सख्त थी शी वॉज काइंड टू हैलन लेकिन क्या थी वो हैलन के प्रति दयालु भी थी तो यहाँ पर लिखेंगे हम मिस सुलिवान वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलन नाउ टीम टाइम रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए हर क्लॉथ्स डर्टी उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे शी वॉज ऑफन एंग्री वह बहुधा जो है क्या हो जाती थी बहुत क्रोधित हो जाती थी समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर और कभी कभी वो फर्श पर भी लेट जाती थी जब उसे गुस्सा आता था तो वो फर्श पर लेट जाती थी हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हर उसके माता पिता ने उसे कभी भी नहीं डांटा नेक्स्ट इज आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछिए पुट अ टिक राइट अंडर द राइट कॉलम और सही कॉलम पर आपको सही निशान लगाना है नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन अब आपके फ्रेंड जो है आपसे बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन जो है वो करेंगे क्वेश्चन इज हाउ ऑफन डू यू आप जो है इसे किस तरीके से करते हैं कब करते हैं ओबे योर पेरेंट्स अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो आप कब मानते हैं जैसे कि ऑलवेज माननी चाहिए तो यहाँ पर जो है ऑलवेज पर मार्क कर देंगे आप कब कब करते हैं समटाइम्स नेवर या कभी नहीं नेक्स्ट है विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाते हैं तो आप कब जाते हैं ऑलवेज हमेशा ऑफन अक्सर जाते हैं यानी कि अधिकतर समटाइम्स या फिर कभी कभी या फिर नेवर कभी नहीं तो आप कब जाते हैं जैसे कि ऑफन अक्सर जाते हैं तो यहाँ पर राइट मार्क करेंगे नेक्स्ट है फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर अपने बहन भाई के साथ आप कब कब लड़ते हैं तो जैसे कि आप जब भी लड़ते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल समटाइम्स कभी कभी नेक्स्ट है हेल्प अदर्स दूसरों की मदद कब करते हैं ऑलवेज हमेशा आप कब करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करेंगे थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन जो कचरा होता है उसे डस्टबिन में डालते हैं तो ऑलवेज हमेशा डालना भी चाहिए नेक्स्ट है स्विच ऑफ द लाइट्स वेन यू गो आउट ऑफ द रूम जब आप कमरे से बाहर जाते हैं तो अपनी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दें यानी कि बंद कर दें तो आप कब कब करते हैं तो ऑलवेज करनी चाहिए आप कब करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहां पर मार्क करेंगे नेक्स्ट है लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ टैप यानी कि नल को खुला छोड़ना जब आप अपने टीथ ब्रश करते हैं उस टाइम पर आप नल को खुला छोड़ते हैं तो कब करते हैं हमेशा यानी कि अधिकतर करते हैं ऑलवेज करते हैं तो आप कब करते हैं तो यहां पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे जैसे कि नेवर मैं कभी नहीं करती हूँ नेक्स्ट है टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक अपनी नोटबुक से आप पेज फाड़ते हैं कब फाड़ते हैं तो मैं नेवर यानी कि कभी नहीं फाड़ती हूँ आप कब फाड़ते हैं अपने अकॉर्डिंग पर मार्क करेंगे नाउ लेट्स मेक समथिंग अब आपको यहाँ कुछ बनाना है फ्रॉम न्यूज पेपर और ओल्ड मैगजीन्स कलेक्ट स्टोरीज आप जो है पुरानी न्यूज पेपर या फिर ओल्ड मैगजीन्स हैं उनसे स्टोरीज इकट्ठा करेंगे रिपोर्ट ऑफ करेजियस चिल्ड्रन या फिर जो करेजी साहसी बच्चे हैं उनकी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करेंगे नाउ ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्टोरी अब जो स्टोरी आपने कलेक्ट की है उसकी आप एक पिक्चर बनाएंगे टॉक अबाउट द स्टोरीज और जो स्टोरीज हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे सिंग दिस सॉन्ग टूगेदर आप जो है इस गाने को एक साथ गाएंगे सॉन्ग इज इज प्रटी पीप आई हैव अ लिटिल सिस्टर दे कॉल है प्रटी पीप सी विड्स इन द वॉटर्स डीप 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 सी क्लाइंस अप द माउंटेन्स हाई 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 माई प्रटी लिटिल सिस्टर सी जस्ट वन आई इज हुटी पीप आंसर इज स्टार यहाँ पर देख सकते हैं आंसर है स्टार तो ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंप्लीट होते हैं तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ If you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.